दूसरी इसकी खास बात मैं बताऊं तो आजकल लोगों को ना इतनी इजी डीआईवाई चाहिए होती है कि बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत भी ना पड़े और घर में ही चीजें मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए, तो बस ये फेस पिक वैसा ही है। हाय माय क्यूटीज, ब्यूटीज एंड बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब? केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा में होगे, विंटर को, सर्दियों को जमकर एंजॉय कर रहे होगे। ओके, अब विंटर आया है तो साथ ही साथ कई सारी स्किन की प्रॉब्लम भी लाएगा, जैसे कि रूखापन, स्किन का लचीलापन, मतलब स्किन ढीली हो जाना, इलास्टिसिटी हमारी स्किन खो देती है। ऐसे में स्किन ना हमारी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज वाली दिखने लगती है छोटी उम्र से ही। अगर आप आपकी स्किन को विंटर में अच्छे से देखभाल नहीं करते हो, या तो रूखी स्किन है तो आप ही ना उसको हल्के में ले लेते हो, तो आप ध्यान रखना कि ऐसे आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है ना, या तो स्किन का लचीलापन धीरे धीरे खोता जाता है एंड स्किन आपकी काफ़ी ज़्यादा डल होती जाती है। बट डोंट वरी, मैं आपके पास हूँ ना, मैं आज आपको एक ऐसा फेस पैक बताने वाली हूँ जो आपका स्किन का टेक्सचर स्मूथ करेगा। और विंटर में हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो जाती है, ड्राई स्किन एंड रूखी स्किन हो जाती है, स्किन के ऊपर ग्लो नहीं दिखता है, उसे इम्प्रूव करके आपकी इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होगी इससे, जिससे आपकी स्किन जो होगी ना उसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना अभी से ही, क्योंकि आज का हमारा फेस पैक अभी से ही नहीं, जब हमारे मम्मी, नानी और दादी के ज़माने से ही यूज़ होता आ रहा है। तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो ना, मैं देखती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे लाइक किए, तो मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब बताओ कि आज का फेस पैक में मेन कौन सा इंग्रेडिएंट और मेन कौन सा आटा लेना है। और मैं आपको जस्ट एक हिंट देती हूँ कि आप आंख बंद करके आपके किचन में जाओगे ना और आप उसको ढूंढोगे ना आंख बंद करके, तो भी आपको मिल जाएगा। वो है गेहूं का आटा। ऑफ कोर्स हम डेली रोटी खाते ही है। हेल्थ रिलेटेड बात करूँ ना तो गेहूँ के आटे में मेन जो सोर्स होता है वो फाइबर का, फिर विटामिन्स, मिनरल्स उसमें हमें गेहूं से मिलते हैं। बट वो तो हेल्थ रिलेटेड बात हो गई, यहाँ पर हमें स्किन के ऊपर लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टेबलस्पून जितना आपको गेहूं का आटा लेना है। अब विंटर में ही गेहूं का आटा मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्यों लगाते हैं पता है आपको? सबसे पहले कि तो जिनको विटामिन ई की कैप्सूल सूट नहीं करती है ना, उनके लिए खास आज का वीडियो होगा। गेहूं के आटे में आपको नेचुरल विटामिन ई मिलता है, जो आपको बिना साइड इफेक्ट्स के आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दूसरी खास बात ये कि ये गेहूं का आटा हम सबके घर में इजीली मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि गेहूं का आटा हमारी स्किन को बिना ड्राई किए हमारी स्किन को साफ भी करता है और हमें ग्लोइंग स्किन भी प्रोवाइड करता है। इसके बहुत सारे फायदे, अनगिनत फायदे, मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ, इतने सारे गेहूं के आटे के फायदे हैं। तो 1 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा लेने के बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड करना है। अब यहाँ पर आप जस्ट फोकस करके सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि यहाँ पर मैं ये पैक में ऐसी चीज़ें लेने वाली हूँ जो हमारी स्किन को साफ भी करेगी, विंटर में हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगी, और ये सब कुछ करने के बाद हमारी स्किन के ऊपर एक ग्लो प्रोवाइड करेगी। स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन के मार्क्स होते हैं या तो खुरदुरी स्किन हो जाती है ना, उन सबको दूर करके हमें एक ग्लोसी एंड सॉफ्ट स्किन प्रोवाइड करेगी। तो 2 से 3 बूंद आपको यहाँ पर ग्लिसरीन के ऐड करने हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना आपको मिल्क ऐड करना है। मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध इसलिए मैं ऑलवेज आपको सजेस्ट करती हूँ कच्चा दूध यानी रो मिल्क, कि कच्चे दूध जब हम दूध को उबालते हैं तो उसमें से जो भी प्रॉपर्टीज होती है दूध की, जो हमें स्किन के लिए हमें चाहिए, वो जब उबालते हैं तब खत्म हो जाती है। और लास्ट में हमें यहाँ पर जस्ट 2 से 3 बूंद लेमन के ऐड करने हैं। वो भी किस लिए ऐड कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब लेमन का जूस हम इसमें डालते हैं ना, तो लेमन में प्रॉपर्टीज होती है हमारी स्किन को क्लीन करने की, और साथ ही साथ हमारी स्किन को एक शेड लाइटर करने की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि लेमन में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ये क्या काम करेगा लेमन की, हमारी स्किन को कोई भी हार्म भी नहीं करेगा, क्योंकि गेहूं का आटा यूज़ किया है, तो दोनों यहाँ पर सेम हो जाएंगे। तो आप लोग
खुद जब ये फेस पैक को बनाओगे ना, तब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना उसको फील करना, एकदम बटरी सॉफ्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी, बिल्कुल भी आपकी स्किन इससे ड्राई नहीं होगी, उल्टा आपकी स्किन का लचीलापन इससे बढ़ेगा। और मोस्ट ऑफ टाइम हम लेडीज क्या सोचते हैं कि जब हम धूप में बाहर जाएंगे ना तभी हमारी स्किन डैमेज होती है, बट नो गाइस, जब आप यू नो डस्टिंग करते हो या तो कुकिंग करते हो, घर में कुछ भी काम करते हो, तो स्किन के ऊपर धूल मिट्टी ऑफकोर्स चिपकती है, तो हमारी जो स्किन होती है ना वो धीरे धीरे यू नो खराब होती जाती है, पोर्स में ये सारा कचरा जमा होता जाता है एंड बाद में हमें पिंपल, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपको कुछ भी स्किन के ऊपर सूट नहीं करता है, देन ये फेस पैक आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि जिनकी माइल्ड सेंसिटिव स्किन है ना, जिनकी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, 100 बार कुछ भी चीज यूज करने से पहले सोचना पड़ता है, उनके लिए ये बेस्ट फेस पैक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमें स्किन के ऊपर इरिटेशन भी नहीं देता है, रेडनेस भी नहीं आती है, कोई भी साइड इफेक्ट्स भी नहीं होती है। तो आपको करना क्या है कि फेस के ऊपर आपको नॉर्मल जैसे हम फेस पैक लगाते हैं बस उसी तरीके से आपको ये लगा देना है। आप देख सकते हो कि ये ना स्मूथली ग्लाइड भी हो जाता है, आपको ज्यादा यहाँ पर प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इवन ये क्या काम करेगा कि आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा, पॉलिश भी करेगा। हम जब बाहर जाते हैं तो तेज धूप की वजह से हमारी स्किन काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, तो ऑलवेज मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ कि विटामिन ई हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी स्किन को आपको रिपेयर करना हो, डैमेज स्किन को आपको रिपेयर करना हो, तो विटामिन ई से बेहतर कोई भी चीज हो नहीं सकती है। बट कई लोगों को विटामिन ई डायरेक्टली सूट नहीं करता है, तो आप उसका अल्टरनेटिव ये वे भी यूज कर सकते हो, इससे चाई आपकी दूर होगी, झूरी आपकी दूर होगी, और सबसे ज्यादा गेहूं के आटे में स्किन टाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो आपकी स्किन यहाँ पर टाइट भी होती जाएगी, ब्राइट भी होती जाएगी, डार्क स्पॉट, अनइवननेस चेहरे के ऊपर या तो सनटेन के कोई भी निशान है आपके फेस के ऊपर, तो वो सब दूर होके आपको एक यू नो ग्लोसी, स्पॉटलेस एंड बहुत ही एकदम क्या बोल सकते हो उसको, सॉफ्ट टेक्सचर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको लगा लेती हूँ, एंड लगाने के बाद आपको जस्ट करना क्या है कि 8 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 8 से 10 मिनट के बाद मैंने नॉर्मल पानी से फेस वॉश यहाँ पर कर लिया है। सबसे पहले आप जस्ट यहाँ पर यू नो देखिए, बिल्कुल भी आपको ना मेरी स्किन ड्राई फ्लेकी नहीं दिखेगी, एंड एक ना इंस्टेंटली ग्लोसीनेस हमारे चेहरे के ऊपर आ जाती है, क्योंकि गेहूं की खुद की एक चिकनाहट होती है, तो वो क्या काम करेगा कि आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा एंड येट सेम टाइम पर आपकी स्किन का जो ओरिजिनल ऑयल होता है या तो मॉइस्चर होता है उसको भी बनाए रखता है, और गेहूं के आटे में जो विटामिन ई होता है ना वो हमारे डार्क स्पॉट को, पिगमेंटेशन को एंड सबसे ज्यादा जो डैमेज हुई स्किन होती है ना उसमें रिपेयर करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके बाद आपको आपके फेस के ऊपर कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजर, जो भी आपको सूट करता है वो लगा लीजिए, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रही है तो स्किन ना हमारी बिल्कुल भी ड्राई ना हो, तो सेफ साइड के लिए अभी मैं क्या लगा रही हूँ वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं भी खुद ट्राई कर रही हूँ, तो जब तक ट्राई करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलता है वो थोड़े दिन के लिए मैं ट्राई करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ डेफिनेटली इसका रिव्यू या तो जो भी है वो शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है, एंड स्किन ना आपकी पूरे दिन अब हेल्थी भी दिखेगी, हाइड्रेट भी दिखेगी, एंड आपको बिल्कुल भी स्किन के ऊपर एक फ्लेकीनेस या तो ड्राइनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आज मैंने आपको जो यहाँ पर वीट फेस पैक, वीट यानी आटे का जो यहाँ पर फेस पैक बताया वो आप सब लोगों को पसंद आया होगा, तो इसे ट्राई जरूर करना, और अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर हो तो ट्राई करने के बाद मुझे आप लोगों की पिक्चर और जो भी कुछ है यहाँ पर मुझे सेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, सी यू, लव यू ऑल, आओ जो